हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग जो है मैंने पिछले सैटरडे को शूट किया था कित्तू के साथ, क्योंकि कित्तू को लास्ट सैटरडे जो है राधा बना के भेजना था स्कूल में, क्योंकि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था। व्लॉग मैंने शूट तो किया, फिर मैंने डाला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ये व्लॉग डाल देना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज ये व्लॉग जो है सोचा कि डाल दूँ। तो फिलहाल यहाँ मैं कित्तू को तैयार कर रही हूँ राधा बनाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं मेकअप कर रही हूँ कित्तू का, जो मैंने अपनी कला सीखी है थोड़ी सी कित्तू के ऊपर, मैं वो जो है ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि उनको राधा बना के भेजा था तो मैंने हल्का हल्का जो है इसको मेकअप कर दिया था। तो जैसे हम नॉर्मल मेकअप करते हैं वैसे ही मैंने थोड़ा सा पहले उसको लोशन वोशन लगाया, उसके बाद जो है उसका वो करा फाउंडेशन वगैरह का। यहाँ मैं आई मेकअप करे तो कित्तू को ना गुदी गुदी हो रही थी, कह रही मम्मा मेरे को ना गुदी गुदी हो रही है। तो मैं आई मेकअप करवाते बड़ा ना परेशान सी हो रही थी, फिर मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा सा आई मेकअप कर दिया, ज़्यादा नहीं किया, और फिर मैं लाइनर लगाया, वो भी बड़े आराम से लगाना पड़ा, क्योंकि वो है ना आँखों में बच्चे ना बंद करने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने कित्तू का किया आई मेकअप। मैंने सोचा मैं जितना सुंदर हो सके ना उतना सुंदर सा मेकअप करूँ कित्तू का, ताकि कित्तू सच्ची में राधा लगे, क्योंकि कित्तू को बड़ा मन होता है भाई आजकल ना राधा ज़्यादा ये बनने का, मतलब मेकअप शेकअप करवाने का। यहाँ मैं ब्लश लगा रही हूँ कित्तू के हल्का हल्का सा, ताकि मेरी बेटी की पिंक पिंक चिक्स लगे। और यहाँ अब जो है हाइलाइटर थोड़ा सा यूज़ किया है, ताकि कित्तू के गाल जो है थोड़े से शाइनी शाइनी हो जाए और कित्तू को थोड़ा सा सुंदर सा लुक लगे। और यहाँ पिंक कलर का लहंगा पहनेगी कित्तू, तो इसलिए मेरे पास पिंक कलर की लिपस्टिक थी मर्जेंटा, तो यहाँ कित्तू के लगा रहे हैं लिपस्टिक। और कित्तू इतनी खुश थी ना, इतनी खुश थी, मैंने बोला कित्तू को, मैं कहा कित्तू आप इतना लेट हो गए हो एक दिन पहले एक रात को, मैं कहा आप जल्दी सो जाओ ताकि सुबह मैं राधा बना दूँ। कह रही मम्मा आप बस है ना एक बार ये बोल देना कि तेरे को राधा बनना है तो मैं अपने आप उठ जाऊँगा। तो सच्ची भाई सुबह ना 6 बजे कित्तू उठ गई बता राधा बनने के लिए। तो फाइनली मेकअप तो यहाँ मैंने कित्तू का कर दिया है डन, और अब मैं हेयर जो है बना रही हूँ, मतलब बाल के जो है जूड़ा बनाना है क्योंकि, तो उसके लिए मैंने ईयर टू ईयर पार्ट अलग निकाल लिया, और पीछे मैंने कर लिए यहाँ पे पोनी। और पोनी बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा मोटा जूड़ा बनाने के लिए स्क्रंची डाल दिया था कित्तू के बालों में, 2-3 जो है बार घुमा के उसे, और उससे क्या होना एक जैसे वो डालते हैं ना हम लोग बन सा जो डालते हैं वैसा कुछ बन गया था। उसके बाद यहाँ पे रबड़ बैंड डाली मैंने और फिर बना दिया मैंने ट्विस्ट करके जूड़ा। और जूड़ा बनाने के बाद मेरे पास है ना लास्ट टाइम एक हेयर एक्सेसरीज लेके आई थी मैं, फ्लावर वाली, पिंक फ्लावर लगे हैं उसमें वो वाली, तो इस बार वो कित्तू के काम आ गई बताए, लास्ट टाइम तो वो काम नहीं आई थी। और ये जो हेयर एसेसरीज मैंने भी लगाई थी अपना जिस दिन मैंने साड़ी पहनी थी, तो फाइनली जो है यहाँ पे मैंने वो हेयर एसेसरी यहाँ पे कित्तू के लगा दिया। उसके बाद आगे भी बालों पे मैंने कर दी थी कित्तू के ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग करने के बाद बाल बड़े ही सुंदर लग रहे थे कित्तू का हेयर स्टाइल। और यहाँ देखो कित्तू की चूड़ियाँ तो देख लो भाई, कोई चूड़ियाँ भी मैं कित्तू की जो है मैचिंग की लेके आई थी, और ये गले का नेकलेस वेकलेस सब कुछ मैं एक दिन पहले कित्तू के लिए खरीद के लाई थी, क्योंकि मुझे कित्तू को सुंदर सी राधा जो बनाना था। तो फाइनली यहाँ पे ट्विस्टिंग करके एक साइड के बाल मैंने यहाँ पे कर दिए हैं टाई, और दूसरे साइड के भी सेम इसी तरीके से कर ले। जल्दी से भी हमने हेयर स्टाइल को कर लेना है यहाँ पे कंप्लीट, और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगी कित्तू की फाइनल लुक। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कित्तू की फाइनल लुक यानी कि कित्तू राधा बनके कैसी लग रही थी, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कित्तू कैसी लग रही है।